हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स। और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही कि मैं आज आपके साथ एक सिंपल सा DIY स्क्रब बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, वो स्क्रब ना आप आराम से घर पर ही कर सकते हो, ओनली सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स से। यस फ्रेंड्स, ओनली टू इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप अपने फेस का ना अच्छे से स्क्रब कर सकते हो। फ्रेंड्स, वो इंग्रेडिएंट ये है कि पहला जो है कि ये एलोवेरा जेल, ये मैंने प्लांट से ही निकाला है। मेरे घर में खुद का प्लांट है तो मैंने इसका ही एलोवेरा जेल ना इस्तेमाल कर रही हूँ अपने फेस पर। ये एलोवेरा जेल ना हमारे फेस के लिए ना बहुत अच्छा है। हमारे स्किन की पिगमेंटेशन, जो टैनिंग, जो अनइवन स्किन टोन होती है, जो ब्लेमिशेस होते हैं, जो डार्क स्पॉट्स, जो सनबर्न भी होता है ना, उससे ये आराम से ना एलोवेरा ना बहुत ईजी से रिमूव कर देता है। जो आपके फेस पर पिंपल्स भी होते हो तो उसे भी आराम से आपको जड़ से मिटा देता है ये एलोवेरा जेल। आपके पास एलोवेरा प्लांट नहीं है तो आप सिंपल सा मार्केट में कोई सा भी अच्छा एलोवेरा जेल लेकर ना आप यूज़ कर सकते हो अपने फेस पर। मैं यहाँ अपने प्लांट का यूज़ कर रही हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप प्लांट से यूज़ कर रहे हो तो एलोवेरा लीफ ना अच्छे से वॉश कर और उसमें जो येल्लो पार्ट होता है ना, जो येल्लो जैसा, उसे भी अच्छे से वॉश करना चाहिए। मैं अभी आपके सामने वॉश कर दिखाती हूँ। सब पानी से एलोवेरा को अच्छे से वॉश करना चाहिए। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट वो है कि यहाँ पे राइस फ्लोर, चावल का आटा। इसे भी मैं अपने घर पर ही बनाया है। आप चाहो तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। और राइस फ्लोर ना हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे स्किन से ना अनइवन स्किन टोन भी रिमूव कर देता है और हमारे यहाँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी होते हैं ना, और उससे भी आराम से चले जाता है ये स्क्रब करने से। यहाँ पर 1 टीस्पून जितना राइस फ्लोर ले रही हूँ। आप चाहे तो, आपको राइस फ्लोर पसंद है तो आप शुगर पाउडर भी, इंस्टेड ऑफ राइस फ्लोर आप शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे ना राइस फ्लोर बहुत अच्छा लगता है अपने स्किन पर। एक अलग सी स्मूथनेस भी आती है हमारे स्किन पर, इसलिए मैं राइस फ्लोर ही यूज़ करती हूँ। और ये स्क्रब लगाने से पहले ना हमें फेस को ना थोड़ा सा पानी से गीला करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम स्क्रब ना अप्लाई करते हैं। आप चाहो तो आप कोई सा भी फेस वॉश से अपना फेस भी वॉश कर सकते हो। आपका स्किन भी ना बहुत स्मूथ लगने लगता है जब आप राइस फ्लोर अपने फेस पर यूज़ करते हो तो। आप इस स्क्रब को ना वीक में 2 बार यूज़ कीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। कभी भी स्क्रबिंग करते वक्त ना ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा हॉट से लगना नहीं चाहिए हमारे फेस पर। बहुत स्मूथ से, जेंटली से मसाज करना चाहिए।
मेरा तो यहाँ पर स्क्रबिंग भी हो चुका है, हम अब इसे ड्राई होने तक वेट करते हैं और 10 to 15 मिनट्स तक हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं आपके सामने ही ये पूरा वाइप आउट कर दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरा ना जो स्क्रबर है वो सूख चुका है और हम अब इसे वॉश करते हैं। आप चाहो तो आप नैपकिन की मदद से भी अपना फेस वाइप कर सकते हो, नहीं तो आप पानी के मदद से भी आप अपना फेस ना क्लीन कर सकते हो। आपको एक ही यूज़ में ही आपको बहुत अच्छा अपना फेस ना बहुत अच्छा फ़र्क महसूस लगेगा, आपको ही बहुत स्मूथ दिखेगा आपका फेस। देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस ना कितना स्मूथ करने लग रहा है, बहुत स्मूथ फीलिंग आ रही है मेरे स्किन पर। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको फर्स्ट रिजल्ट में ही आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, आपका फेस तो बहुत स्मूथ पड़ेगा क्योंकि आप चावल का आटा यूज़ कर रहे हो। और आपको ये स्क्रबिंग ना आपको वीक में 2 बार यूज़ करना चाहिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। और ओके फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो, क्या थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक ज़रूर लाइक कीजिए। और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए अनीशा स्टाइल्स, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आई डी है कि अनीशा स्टाइल्स। और कमेंट कीजिए आपको मेरा ये स्क्रबिंग कैसा लगा आपके फेस पर, आपको अच्छा लगा या भी नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको राइस फ्लोर ही यूज़ करना चाहिए, राइस फ्लोर के इंस्टेड ऑफ राइस फ्लोर आप शुगर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो एलोवेरा जेल के ऊपर। और आपके घर में प्लांट नहीं है तो आप कौन सा भी बाज़ार में अच्छा सा एलोवेरा जेल लीजिए, और वो पैराबिन फ्री हो और सल्फेट फ्री हो, ये ध्यान में रखकर आप अपना एलोवेरा जेल परचेस कीजिए। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। और टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।